नमस्कार, लताज किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चावल की खीर बनाएंगे। खीर बनाने के लिए हम एक भगोना लेंगे और उसे गैस पर चढ़ा देंगे और उसमें हम दूध डाल देंगे। हमने खीर बनाने के लिए 1.5 किलो दूध लिया है और अमूल गोल्ड दूध लिया है फुल क्रीम। अब इसे चला देंगे और खीर बनाने के लिए हमने बासमती चावल लिया है। 1.5 किलो दूध में हम 100 ग्राम चावल डाल रहे हैं और 100 ग्राम चीनी, 25 ग्राम मावा, 5 से 6 बादाम है, 2 इलायची है और 10 से 12 काजू है। आप देख सकते हैं कि दूध गर्म हो चुकी है। जब यह उबलने लगेगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। उससे पहले हम इसे बराबर ही चलाते रहेंगे, हर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे धोकर और इसे चलाते रहेंगे। हम तब तक चलाएंगे जब तक कि फिर ना उबलने लगे। आप देख सकते हैं कि खीर मेरा उबलने लगा है। अब हम इसे लो फ्लेम पर करके छोड़ देंगे और धीरे धीरे पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि हम हर थोड़ी देर में उसको चला रहे हैं, क्योंकि यदि नहीं चलाएंगे तो वो नीचे की ओर नीचे बैठ जाएगा पतीला में। और आप देख सकते हैं कि दूध भी कितना अच्छा गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें काजू टुकड़े करके जो रखे हैं वो डाल देंगे और फिर उसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम मावा के भी टुकड़े करके रखे थे उसे भी हम डाल देंगे और उसे भी मिलाएंगे। मावा डालने से घी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। इलायची को कूटकर हम डाल रहे हैं, क्योंकि अब जो है खीर करीब करीब तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसे मिलाएंगे। एकदम बिल्कुल गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे। हमें खीर बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि जब भी हम खीर बनाते हैं तो बिल्कुल धीमी आंच पर खीर को बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो खीर है कितना अच्छा उसमें गाढ़ापन आ रहा है। खीर जो है सो बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि खीर कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल मिली हुई है, मिल गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कितनी अच्छी खीर तैयार हुई है। यदि आपको ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस तरीके से खीर एक बार जरूर बनाएं और खाकर बताएं कि आपकी खीर कैसी बनी। मेरी तो खीर बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।